どうぞ。<music> ना? आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी प्रभु जी ने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से अपना एम का मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया तत्पश्चात स्टर्लिंग हॉस्पिटल में दो वर्षों तक वे कार्यरत रहे सन 2000 में में इसकॉन से जुड़ने के पश्चात सन 2004 में उन्होंने इस कौन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की प्रभु जी सन 2008 से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत का प्रचार प्रसार करने में लग गए जिसमें युवाओं के मध्य प्रचार करने के अतिरिक्त वे भक्ति में अग्रसर होने के हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं तो आइए श्रवण करें श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाया हरे कृष्ण भगवान कृष्ण है मथुरा में आते हैं और मथुरा में आए तो अपने मित्रों के साथ बलराम के साथ वो मथुरा की गलियों में भ्रमण करने निकले भ्रमण करते, करते करते कई भक्तों को मिले और फिर उनको बाजार में एक स्त्री दिखाई दी जो कुबड़ी थी और शरीर के तीन भागों से गर्दन छाती और कमर से मुड़ी हुई थी उसका नाम था त्रिवक्रा ये त्रिवक्रा है वो कंस की सेविका थी और कंस के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधी लेप लेकर जाती थी भगवान जब उसको देखते हैं तो भगवान उसके पास पहुंच जाते हैं और याचना करते हैं कि हे त्रिवक्रा अगर तुम हमें ये लेप प्रदान करोगी तो तुम्हारे पर बड़ी कृपा होगी हमारी तुम्हें बहुत बड़ी भेंट हम प्रदान करेंगे तो त्रिवक्रा हालांकि राज सेविका थी फिर भी भयभीत हुए बिना भगवान कृष्ण और बलराम को वो लेप अर्पण करती है और भगवान उनकी जब सेवा भावना को देखते हैं तो विचार करते हैं कि अब इसको आ, जो कुब्जा रूपी शरीर मिला है उससे मुक्ति उसकी मिलनी चाहिए और तब भगवान है उसको अपने पैरों से स्पर्श करते हैं और कुब्जा जो है अति सुंदर स्त्री बन जाती है और फिर जब वो सुंदर बन जाती है तो भगवान से आकर्षित होकर याचना करती हैं कि भगवान कृष्ण आप हमारे घर पर आइए अब वो भगवान के सौंदर्य से एक भौतिक जो आकर्षण होता है उस प्रकार उसका आकर्षण था जिसको हम कहते हैं काम वासना एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण पर यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र थे वो भगवान है तो भगवान कृष्ण के प्रति कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आकर्षित होता है तो भी भगवान कृष्ण है परम पवित्र है इसलिए उस व्यक्ति को भी पवित्र कर देते हैं जिस प्रकार से सूर्य होता है वो कोई गंदे स्थान पर भी उसका प्रकाश पड़े तो गंदे स्थान को भी पवित्र कर देता है शुद्ध कर देता है तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से ये आकर्षित थी उनके उपवस्त्र को पकड़ लिया पर भगवान ने कहा कि हमारा जब कार्य पूरा हो जाएगा तब निश्चित रूप से वो उनके घर पर आएंगे अब फिर भगवान कुछ दिन वहाँ मथुरा में रहे कंस मारा गया और फिर उग्रसेन राजा बन गए और फिर तो भगवान वहीं मथुरा में ही बस गए तो भगवान है एक दिन है उद्धव जी को लेकर त्रिवक्रा के घर पर जाते हैं उद्धव भगवान के भक्त हैं तो उनको साथ में लेकर भगवान अकेले नहीं जाते हैं भगवान उनको साथ में लेकर त्रिवक्रा के घर पर जाते हैं और त्रिवक्रा ने जब सुना कि कृष्ण उनके घर पर आ रहे हैं तो उन्होंने पूरे अपने घर को सजा कर रखा था अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य का छटकाव करके कर रखा था वहाँ पर कई जड़ी बुटियाँ थी और कई चित्र वहाँ पर लगाए हुए थे पर पूरा माहौल कोई भी व्यक्ति में काम उत्पन्न करे उत्तेजना उत्पन्न करे उस प्रकार का था क्योंकि त्रिवक्रा जो थी वो भौतिक काम से अभी भी प्रभावित थी और भगवान उसी काम को दूर करने के लिए ही उनके घर पर जाते हैं तो जब भगवान कृष्ण और उद्धव जी वहाँ प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सब आसन बैठने के लिए सब लगाए हुए थे पर उद्धव जी है वो बिस्तर को स्पर्श करके ज़मीन पर बैठ जाते हैं और भगवान है कमरे में जाकर वहाँ पर सैया होती है उसके ऊपर लेट जाते हैं तो तरी भी है स्नान करके और श्रृंगार करके सच धज कर है वहाँ पर आई और अब उसको लगा कि मेरी भौतिक जो कामनाएं हैं वो तृप्त हो जाएगी पर भगवान है बाह्य रूप से तो ऐसा व्यवहार किया पर आंतरिक रूप से वो जानते थे कि कुब्जा जो है वो कामना से प्रभावित थे तो उनको शुद्ध करना है और जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि कुब्जा है उसमें भगवान की भू शक्ति का भी अंश है भगवान की अनेक शक्तियों में एक भू शक्ति है उनका भी एक अंश है तो इसीलिए कृष्ण के प्रति उनका माधुर्य आकर्षण है वो उचित है तो भगवान है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको अपने पास बिठाते हैं और कुब्जा है वो भगवान को आलिंगन करती है पर भगवान का स्पर्श मात्र से ही और भागवत में वर्णन किया गया है कि भगवान के चरणों की जो सुगंध है उसी सुगंध से ही उसकी पूरी काम वासना है वो चली गई हालांकि वो भगवान को प्रार्थना करती है कि भगवान है कुछ दिन है उसके घर पर रुक जाए और उन्हीं के साथ इस प्रकार से रमण करे पर भगवान यहाँ पर है आए थे कि कुब्जा जो है अपनी भौतिक काम वासना से मुक्त हो जाए तो इसीलिए भागवत में यहाँ पर उसको अभागी बताया गया है वो गोपियों की तरह निष्काम नहीं थे गोपियों की जो भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति वो पूरी निष्काम है उसमें काम वासना का कोई अंश नहीं है कोई मतलब छाया नहीं है बाह्य दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो एक स्त्री और पुरुष का आकर्षण है पर वो सब मुक्त जीव है कि जो गोपियाँ बनकर आई है पर यहाँ पर कुब्जा जो है वो भगवान को ऐसी अनुचित जब विनती करते हैं तो भगवान है उसकी विनती को स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि उसके कामना को दूर कर देते हैं तो यहाँ पर से हमें एक शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक शिक्षा तो ये है कि भगवान के संग से जो त्रिवक्रा भी है वो मुक्त आत्मा बन गई और भौतिक दृष्टि से हमें समझ सकते हैं कि भगवान का संग अगर हमें हो तो उनके दर्शन हो तो क्या प्रार्थना हमें करनी चाहिए क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए जैसे भगवद्गीता में भी हम देखते हैं कि अर्जुन की दोनों स्थिति होती है एक स्थिति में अर्जुन है वो भौतिक संबंधों के कारण मोहित हो गया है और युद्ध नहीं करना चाहता है पर ये अर्जुन की वास्तविक स्थिति नहीं है अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है और इसीलिए अर्जुन जब है भगवान को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये भगवान की योग माया के प्रभाव में वो कह रहा है अन्यथा भगवान है वो जानते हैं कि अर्जुन है ज्ञान से युक्त है और कभी भी वो अपने कर्तव्य से मुख नहीं होता है तो संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि जिसमें अर्जुन मोहित हो गया पर हकीकत में अर्जुन भी मुक्त जीव है उसी प्रकार से कुब्जा है वो मुक्त जीव हो गई पर बाह्य व्यवहार वो उसी प्रकार का कर रही थी कि जैसे एक का कामाशक्त स्त्री हूँ तो भगवान है फिर उद्धव जी को लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं उस प्रकार से वो कुब्जा का उद्धार करते हैं भगवान पहली बार है अक्रूर जी को वहाँ पर मिलते हैं नंदग्राम में जब अक्रूर जी है भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए थे फिर मथुरा पहुँचने के बाद है अक्रूर जी भगवान को विनती करते हैं कि आप हमारे घर पर आइए अपने पिताजी नंद बाबा और अन्य जो मित्र हैं उन सबको के साथ और वहाँ पर ही भोजन विश्राम इत्यादि करें पर भगवान कृष्ण तब उनको मना कर देते हैं कि हम जिस काम के लिए पहले आए हैं वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से उनके घर पर आएंगे तो जी भी भगवान के एक महान भक्त हैं और भगवान अपना इस वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण बलराम और उद्धव जी तीनों अक्रू के घर पर पहुंच जाते हैं और जब अक्रू है देखा कि भगवान उनके घर पर आए हैं तो उनकी खुशी का उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा वो तुरंत है भगवान का स्वागत किए और भगवान को बिठाकर उनके पाद प्रक्षालन किए और उस जल को अपने सिर पर और सबके सिर पर उसका छटकाव किया क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के चरणों से ही गंगा उत्पन्न होती हैं तो ये जो चरणोदक है वो पूरे संसार को पवित्र करने वाला है ब्रह्मा शिव इत्यादि बड़े बड़े देवताओं को भी ये चरणोदक है पवित्र करता है गंगा जल तो इस प्रकार से है फिर वो उनके आरती करते हैं उनको सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि इसे कई प्रकार से उनका वो स्वागत करते हैं और फिर है अपने पूरे परिवार के साथ वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और भगवान के गुणगान करने लगते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले अक्रूजी कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपके कारण ही जो यदु है वृष्णि है अंधक है और दासाहर ये सब जो वंश है वो कंस के जो कुकर्म है उसके प्रभाव से मुक्त हो पाए कंस का भय इन सब को बहुत सता रहा था और जब तक कंस था तब ये लोग अपने अपने नगरों में भी नहीं रह पा रहे थे बल्कि कई लोग अपने देशों को छोड़कर अन्य जगह पर चले गए थे तो आपने इस कुल का उद्धार किया है पर साथ में आप सृष्टि के करता है सृष्टि के परम कारण हैं कारण कारणम आप ही संसार के कारण हैं और उस प्रकार से कोई राजनैतिक या कोई सामाजिक कोई एक विशेष वंश या परिवार से भगवान का संबंध नहीं है हालांकि भगवान संसार में प्रकट होते हैं तो एक परिवार में प्रकट होते हैं उनका कोई हम कहते हैं कोई यदुवंश में प्रकट हुए यादव हैं तो भगवान लीला करने के लिए कोई ना कोई जगह पर प्रकट होते हैं कोई ना कोई परिवार में प्रकट होते हैं पर भगवान हैं इन सब से परे हैं, सामाजिक राजनीतिक सभी पहचानों से परे हैं क्योंकि भगवान सब वस्तुओं के आदि कारण हैं उसके बाद है वो वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण को जो जानने का तरीका है वो क्या है कि महानुभव या जो महात्मा है भगवान के महान भक्त हैं उनसे ही हम सुनकर भगवान के बारे में जान सकते हैं अन्य कोई तरीका नहीं कृष्ण को जानने का सिर्फ आप है पुस्तक पढ़ ले तो भी कृष्ण को नहीं जान पाएंगे कृष्ण को उनके भक्तों के माध्यम से ही जाना जा सकता है और उस प्रकार से जब हम जानते हैं उनकी भक्ति में लगते हैं तब हम प्रत्यक्ष भी भगवान की अनुभूति करते हैं तो इस प्रकार से आपको भक्त्यामाम अभी जाना थी यावन जो बात गीता में भी भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्णतः जाना जा सकता है फिर उद्धव जी कहते हैं कि आप हैं परमात्मा के रूप में इस सृष्टि के एक वस्तु में प्रवेश करते हैं अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त हर अणु में आप प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से पूरे संसार में आप व्याप्त हैं पर विशेष कार्य के लिए आप हैं अपने शुद्ध सत्व में अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तब उनका जो शरीर है वो सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण से नहीं बना होता है इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं पर भगवान का जो शरीर है वो शुद्ध सत्व चौथा जो गुण है वो तीनों भौतिक गुणों से परे है और वो आध्यात्मिक है वो शुद्ध सत्व तनु भागवत में बताया गया है क्यों भगवान का जो शरीर है शुद्ध सत्व से बना हुआ है और जब आप प्रकट होते हैं तब प्रमुख जो आपका कार्य होता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दस्कृताम आप हैं साधु जो है उनका परित्राण करने के लिए उनका पालन और रक्षण करने के लिए प्रकट होते हैं जैसे भगवान यहाँ पर मथुरा में आकर है देव के वसुदेव है उनको मुक्त किया अन्य जो यादव है वंश है उन सबको भी भय से मुक्त किया उन सबका पालन किया और दूसरा कार्य भगवान का है विनाशायश दुष्कृताम जो दुष्कृति है उनका भगवान नाश करते हैं कभी कभी भगवान स्वयं अपने हाथों से ऐसे दुष्ट लोगों को मारते हैं और कभी कभी वो अपने भक्तों के माध्यम से जैसे कि अर्जुन है या हनुमान जी है अपने भक्तों के माध्यम से मारते हैं या कभी संसार में दो असुर आपस में लड़ते हैं और मारे जाते हैं पर इसीलिए जो मुख्य कार्य है भगवान का है वो भक्तों का पालन और रक्षण है असुरों को मारना उनका गौण कार्य है और भगवान इस संसार में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए वास्तव में धर्म क्या है वो भगवान के चरित्र से उनकी लीलाओं से हम समझ सकते हैं कोई मनुष्य है धर्म की व्याख्या नहीं बना सकता ना ही धर्म के नियमों को बना सकता है वो भगवान के द्वारा दिए गए नियम ही धर्म है उन्हीं की वाणी है वो धर्म है तो इस प्रकार से आप ये सब कार्यों को संपन्न करते हैं इस संसार में प्रकट होगा फिर है उद्धव जी आगे कहते हैं भगवान को कि आप जब है यहाँ पर प्रकट होते हैं तब आ, जो भी आपके संपर्क में आते हैं आज आप हमारे घर पर आए हैं तो पांचों जो यज्ञ होते हैं जो गृहस्थ को करने चाहे, ब्रह्म यज्ञ है देव यज्ञ है पितृ यज्ञ है और भूत यज्ञ है और यज्ञ है ये सभी प्रकार के यज्ञ है संपन्न हो जाते हैं आपकी भक्ति करने से क्योंकि स्वाध्याय जो यज्ञ है उसका भी प्रयोजन है भगवान के बारे में जो ग्रंथ है शास्त्र है उनको पठन करना पाठ करना उनका देवता जो भगवान के अंश रूप है उनको संतुष्ट करने का भी उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना ही है तो उस प्रकार से देव यज्ञ हो जाता है पितृ या गुरुजन जो है उनकी तृप्ति भी भगवान की तृप्ति से हो जाती है क्योंकि उनको भी जो श्राद्ध में जो भी वस्तुएँ अर्पण करी जाती है और पिंडदान इत्यादि किया जाता है तो भगवान के प्रसाद के रूप में ही उनको ये सब वस्तुएँ दी जाती हैं और उसी प्रकार से हम आगे देख सकते हैं कि भगवान जो है उनका खाया हुआ अन्न यानी कि प्रसाद किसी भी जीव को जब बांटा जाता है तो वो भी उससे लाभ प्राप्त करता है और उसी प्रकार से है अतिथि यज्ञ उसको भी भोजन और पानी देना है तो इस प्रकार से भगवान का नाम उनके गुण उनकी, उनकी लीलाएं उनका प्रसाद ये सब सबको देने से पा जो यज्ञ है उसका फल हर व्यक्ति को मिल जाता है तो आज मैं धन्य हो गया हूँ मुझे भी पाँचों यज्ञ का फल है आपकी भक्ति से मिल गया है फिर आगे वो कहते हैं कि आपके भक्तों के प्रति आप है कृतज्ञ है स्नेहिल है आप उनको प्रेम करते हैं भगवान है अपने भक्तों के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करते हैं भगवान के लिए ऐसा संभव है कि असंख्य जो जीव है लाखों करोड़ों उन सबके साथ भगवान व्यक्तिगत रूप से संबंध बना सकते हैं संसार में अन्य कोई भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है सिर्फ भगवान के लिए संभव है तो इस प्रकार से अक्रूज है वो भगवान की कई सुंदर शब्दों में स्तुति करते हैं तो भगवान ऐसी स्तुति जब अक्रोज जी से सुनी तो अक्रोजी को वो बताने लगे कि आप ही हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, जो कि जी है समय समय पर भगवान को है सलाह देते थे या उनको बताते थे उनके रक्षण के बारे में जैसे कृष्ण बलराम जब मथुरा आए तो उनके रक्षण की उनकी चिंता थी तो इस प्रकार से हमारे पालक हैं और आपके जैसे महात्मा ही हैं सेवा के हकदार हैं भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करने से भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने भक्त जो है अक्रूर हैं, उनकी स्तुति करते हैं हालांकि अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण आए तो उनके चरणों को धोए और उनके चरणों को वो सम्मान किए पर भगवान जानते हैं कि उनके भक्त हैं उनसे वो ऐसी सेवा ग्रहण करते हैं और भगवान स्वयं भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भगवान हैं अपने भक्तों की महिमा बताते हैं कि मेरे अगर मूर्ति की दर्शन या गंगा में स्नान जाकर करना तो ये सब के लिए संभव नहीं होता है और वो कई लंबे समय हम करते रहते तब उसका लाभ मिलता है पर भागवत यहाँ पर बताता है कि ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है तो गंगा के पास आप जाएंगे उसमें हर रोज़ स्नान करेंगे तब आपकी पवित्रता होगी पर भक्त के संग मात्र से उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही हम भगवान के भक्त का दर्शन करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण होता है तो इस प्रकार से भगवान है अक्रोजी की स्तुति करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं तो अक्रोजी भी भगवान से ये ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी संसार में भौतिक आसक्ति है घर के प्रति परिवार के प्रति संसार के प्रति वो सब आसों के जो बंधन है रसिया है वो रसिया आप काट दें और इस बंधन से मुक्त होकर हम सिर्फ आपके चरणों में ही आ सकता रहे तो इस प्रकार से अक्रूजी है भगवान को प्रार्थना करते हैं अब भगवान अक्रूजी के पास आए तो उसका और एक उद्देश्य था और भगवान कृष्ण है अक्रूजी को कहते हैं कि हमारे जो संबंधी है पांच पांडव और कुंती महारानी तो वन में रहते थे और जब है पांडु महाराज है उनका देहांत हो गया तो अब है कुंती महारानी पांच पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गए हैं और जहाँ तक धुतराष्ट्र की बात है तो वो स्वभाव से ही ऐसा है निर्बल है कि अपने दुष्ट पुत्रों के वश में वो आ गया है और इसी इसीलिए वो पांडवों के साथ अन्याय ही करेगा तो आप हैं हस्तिनापुर जाइए और कुंती महारानी और पांच पांडव हैं उनके क्षेम कुशल के बारे में जानकारी लेकर आइए और जरूरत है तो हम उनको पूरी सहायता करेंगे तो इस प्रकार से भगवान है अक्रोजी के पास आते हैं और परस्पर भक्त और भगवान एक दूसरे की सोती करते हैं और अंत में भगवान है अक्रोजी को एक आज्ञा देते हैं प्रदा कि ये सेवा है वो भगवान के लिए करें और अक्रोजी है फिर हस्तिनापुर निकल जाते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर देखते हैं कि कुब्जा को भी मिले त्रिवक्रा को मिले और यहाँ पर अक्रोजी को भी मिले तो ये दोनों जो घटनाएं हैं दोनों भगवान का इन इन लोगों के साथ जो मिलना है वो है उससे हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं अक्रू जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो उनका पूरा व्यवहार हम देख सकते हैं भगवान के प्रति और कुब्जा जो अभी बहुत ही काम आसक्ति से प्रभावित थी वो भी भगवान के संग से पवित्र हो जाते हैं तो उस प्रकार से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि किसी न किसी का किसी भी रूप में संग करते हैं तो हमें भी लाभ मिलेगा है तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हम भी उनके चरणों में आसक्त बने और सबसे सरल तरीका है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस प्रकार से महामंत्र का आप कीर्तन कीजिए और निश्चित रूप से आप है भगवान के चरणों में आसक्त होंगे हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव